दोस्तों दूसरे T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड की जमकर पिटाई करी है। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जा चुका है और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जब इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की शुरुआत अच्छे अंदाज में नहीं करवा पाए थे, क्योंकि जहां ऋषभ पंत इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और वो एक के बाद एक कई सारी गेंदें खाली करते जा रहे थे। जहां इसके बाद 36 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लोकी फर्गसन ने देकर ऋषभ पंत को आउट कर दिया था और पंत 13 गेंदों में केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही इस मैच में तहलका मचा कर रख दिया था, तो तभी दूसरी तरफ ईशान किशन संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 69 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका इस चोटी ने देकर ईशान किशन को आउट कर दिया और किशन 31 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे और श्रेयस अय्यर इस मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने एक छक्का और एक चौका भी जड़ दिया था, लेकिन तभी वो अपनी गलती से हिट विकेट आउट हो बैठे और श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में सूर्य कुमार यादव विस्फोटक पारी खेल रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे। जहां पांड्या तो इस मैच में एक तरफ से खाली खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ इस मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला इस मैच में जबरदस्त अंदाज में बरस रहा था और उन्होंने इसके बाद केवल 32 गेंदों में पहले अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने 50 रन करने के बाद ही उनका बल्ला और तेज बरसने लगा और इसके बाद अगली 17 गेंदों में उन्होंने अपने शतक भी पूरा कर लिया था। जहां इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने केवल 49 गेंदों में अपना शतक पूरा करा और न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की धज्जा उधेड़ कर रख दी थी, जहां वो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे। लेकिन तभी इसके बाद आखिरी ओवर में भारतीय टीम को बैक टू बैक 3 बड़े झटके टीम साउदी ने देकर अपनी हैट्रिक पूरी करी, जहां पहले उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट करा और पांड्या 13 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर को आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी करी और इस तरह भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 191 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों में 7 छक्के और 11 चौकों की मदद से 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो वहीं इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साउदी को 3 विकेट हाथ लगी और लोकी फर्गसन ने 2 विकेट झटके थे। तो वहीं अब न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 192 रन बनाने थे और जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनको पहला झटका ही केवल दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने देकर फिन एलन को आउट कर दिया था और फिन एलन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन इसके बाद डिवेन कॉनवे और केन विलियमसन ने इसके बाद बेहतरीन बैटिंग करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन तभी 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने डिवेन कॉनवे को आउट कर दिया और कॉनवे 25 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स आते ही तगड़ी बैटिंग करने लगे थे और उन्होंने एक छक्का तो एक चौका भी जड़ दिया था, लेकिन उनको भी 69 रन के स्कोर पर युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड मार दिया और ग्लेन फिलिप्स 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ कप्तान केन विलियमसन न्यूजीलैंड की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी उनके एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। जहां इसके बाद दीपक हुड्डा ने ड्रायल मिचेल को आउट कर दिया था और मिचेल केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं इसके बाद चहल ने जेमी निशम को आउट कर दिया था और निशम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को आखिरी 5 ओवर में ये मैच जीतने के लिए पूरे 94 रन बनाने थे। वहीं इसके बाद 99 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने मिचेल सेंटनर को आउट कर दिया था, सेंटनर बस 2 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद केन विलियमसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद 48 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन तभी 124 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड मार दिया और विलियमसन 52 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद दीपक हुड्डा ने न्यूजीलैंड की टीम को 19वें ओवर में 3 झटके देकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 126 रन के स्कोर पर ऑल आउट मार दिया था और न्यूजीलैंड की टीम ये मैच 65 रनों के बड़े अंतर से हार चुकी है। जहां इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से दीपक हुड्डा को 4 विकेट हाथ लगी तो मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट झटके थे, तो वहीं भारतीय टीम ने दूसरा T20 मैच 65 रनों से जीत लिया है।